हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैंने कल सुबह नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक 350 की एक वीडियो डाली थी, और वीडियो डालते ही एक क्वेश्चन, कॉमन सा क्वेश्चन आने लग गया कि इसमें किक कहाँ है, किक कहाँ गायब कर दी। और रेट्रो क्लासिक बाइक है और उसमें से किक गायब होगी, ये तो मतलब ढूंढने वाली बात है कि इसकी किक कहाँ गायब हो गई है। तो उसी चीज़ को ढूंढने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा नेट को सर्च कर दिया, और सर्च करने के बाद कुछ वैलिड रीज़न, मतलब रीज़न तो बहुत सारे आए लेकिन काफ़ी रीज़न स्टूपिड थे, लेकिन कुछ मैंने वैलिड रीज़न देखे और मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए रीज़न कोई भी हो, लेकिन उस सब के पीछे सिर्फ एक ही मोटो है कंपनियों का, अपना सपना, मनी मनी मनी। हाँ जी दोस्तों, मनी कमाने का ही रीज़न है, मतलब ये एक कॉस्ट कटिंग की निंजा टेक्निक है। हाँ निंजा टेक्निक कह सकते हैं, मतलब बहाना भी है, सब कुछ है, तो सारे बहाने गिनाऊंगा। लेकिन उससे पहले हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। दोस्तों पहले रीजन की बात करें तो वो है किक का कम यूज करना। तो दोस्तों मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा, मतलब उसके पास क्लासिक 350, मैंने उससे पूछा कि भाई आप किक का कितना यूज करते हो, तो उसने कहा उतना ही जितना सलमान भाई अपने टैलेंट का यूज़ करते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत कम यूज़ करता है। और इसका रीज़न उसने ये बताया कि यार देखिए ज़्यादातर टाइम पर उसको यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सेल्फ से ही उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो गई है। और अगर वो यूज़ करता भी है तो सर्दियों में सिर्फ मॉर्निंग स्टार्ट के टाइम ही यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा कम ही यूज़ करता है। 100 में से भी आप इसको 0.1 समझ सकते हैं। सेकेंड रीज़न है क्रूज़र बाइक। अब देखिए आपने एवेंजर देखी है, हार्ले डेविडसन देखी है, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम होती है। हाइट कम करने की वजह से कस्टमर को, मतलब बेसिकली राइडर को काफ़ी नीचे बैठना पड़ता है, और नीचे बैठ के काफ़ी ज़्यादा किक मारना मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तो देखिए अनकंफर्टेबल है लेकिन पर्सन किक मार सकता है, और मेरे हिसाब से मेरे पास एक क्रूज़र बाइक होगी तो मैं तो खड़े होकर भी किक मार लूँगा। तो मतलब ये रीज़न बड़ा वैलिड सा नहीं है, मतलब ये रीज़न बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, मैं खड़े होकर किक मारूंगा अगर मेरे पास एक क्रूज़र बाइक है। थर्ड रीज़न की बात करें दोस्तों वो है FI बाइक्स। हाँ ये रीजन काफी हद तक वैलिड है, लेकिन देखिए काफी हद तक, मैंने कंप्लीटली नहीं कहा है, तो सुन लीजिए। FI सारी बाइक्स में ECU होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को एटलीस्ट 9 वोल्टेज चाहिए होता है, और वो बैटरी से ही मिलता है। मान लीजिए आपकी बैटरी डाउन हो गई, अब मैक्सिमम जो किक का यूज मतलब इमरजेंसी केस में होता है वो तब होता है जब आपकी बैटरी डाउन हो जाती है। मान लीजिए आपकी बैटरी डाउन होगी, आप किक मारेंगे लेकिन वो किक से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उसको ECU से, मतलब बेसिकली बैटरी को, ECU को बैटरी से पावर चाहिए होगी, और वो पावर नहीं मिलेगी तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो सिंपल से बात है कि भैया वो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, और फिर भी अगर आप इसे किक मारते हैं तो इसका उल्टा ही रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा, आपकी बाइक खराब भी हो सकती है, पंप हो गया, ECU हो गया, कुछ भी उसका खराब हो सकता है। तो दैट्स व्हाई कंपनी ये रीजन देती है कि FI बाइक्स में किक देना ही बहुत ज्यादा बेकार है, दैट्स व्हाई हम नहीं देते हैं। लेकिन भाई मैंने पहले ही कहा कि ये 100% वैलिड रीजन नहीं है। वो रीजन ये है कि भाई देखिए किसी भी प्रॉब्लम को R&D करके ठीक किया जा सकता है। R&D बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनियां करती हैं तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है रिलायबिलिटी। अब देखिए सेल्फ काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होगी है, बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होगी है, तो मतलब किक की क्या जरूरत है। कंपनी ये कहती है भैया सेल्फ हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना दी है और किक को अब आप भूल जाइए, क्योंकि वहाँ पर हमें थोड़े से पैसे बचाने हैं। तो यार ये भी एक रीज़न कंपनी देती है कि भैया ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होगी हैं, पहले ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती थी लेकिन आज के डेट में रिलायबल है। बहुत टाइम बाद ही आपकी जो सेल्फ होती है वो खराब होती है, बैटरी है वो चेंज होती है। तो दैट्स व्हाई कंपनी कहती है क्या करोगे किक का, थोड़े से तो पैसे हमें बचाने दो, तो दैट्स व्हाई मतलब किक नहीं दी है। फिफ्थ रीजन की बात करूं तो यार फिफ्थ रीजन ना बड़ा ही चोमू सा रीजन है, वो ये कहते हैं कि इससे वजन बढ़ जाता है। सीरियसली, मतलब सीरियसली 500 ग्राम की, आधे किलो की होती होगी कोई किक और उससे वजन बढ़ जाएगा। चलिए मतलब इंटरनल कॉम्पोनेंट को मिला के भी मैं 2 किलो कह देता हूँ, तो 2 किलो से आपकी ओवरऑल वाइट बाइक का जो वजन है वो बढ़ जाएगा। मतलब सीरियसली अगर ये बात है सच है तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं उनको TVS XL लेनी चाहिए। यानी कॉलेज गोइंग कोई स्टूडेंट ये कहेगा अपने पापा से कि पापा जी मुझे तो आप TVS XL दिला दीजिए, क्योंकि मेरी जो लाइफ का गोल है वो यही है कि मुझे सबसे हल्की बाइक लेनी है, क्योंकि हैवी व्हीकल कंपनी ने मना किया है। तो यार देखिए नॉर्मली पर्सन 150 किलो 200 किलो की बाइक चला रहे हैं तो 1-2 किलो से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ये कंपनी को ऐसा रीज़न देना भी नहीं चाहिए, ये रीज़न बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। सिक्स्थ रीज़न है डिज़ाइन। हाँ जी दोस्तों कंपनी का ये कहना है कि हम ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं कि उसमें किक की जगह ही नहीं छोड़ते, और बाद में ये कह देते हैं कि भैया ऐसा है कि
किक लग ही नहीं सकती, किक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस बाइक में लगाना, दैट्स व्हाई हम किक नहीं देते हैं। तो यार कंपनी डिजाइन ही उस हिसाब से बना रही है और बाद में वो रीजन दे देती है स्टूपिड सा कि भाई हम किक इसलिए नहीं दे रहे कि हाँ आप किक लगाने की जगह नहीं है। देखिए जब आपने डिजाइन बनाया था तो उस समय ही अगर आप किक लगाने की जगह दे देते तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो ये कंपनी के एक पैसा बचाने की, ओवरऑल सारी जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स गिनाए हैं सब में सिर्फ एक पैसा बचाने की निंजा टेक्निक ही है। भैया मैंने आपको 6 रीजन दिए हैं जिसमें से कुछ रीजन बड़े ही चोमू बड़े ही स्टूपिड हैं। तो यार इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो ताकि पूरी दुनिया को मतलब पूरे इंडिया को पता लग जाए कि कैसे कंपनी वाले मिलके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो मेरा कंटेंट मेरा हंसी मजाक अच्छा लगता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।